नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की चर्चा कर रहे हैं और इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है उद्यमिता का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग देखते हैं कि उद्यमिता का आखिर में हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में महत्व क्या है, यानी कौन सा स्थान उद्यमिता रखता है हमारी कंट्री में, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का प्रमुख महत्व होता है, क्योंकि उद्यमिता के बिना वे सारे तकनीक, विचार, संसाधन व्यर्थ हैं जिनसे उत्पादन होना सुनिश्चित है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी देश में सारी तकनीक लग जाए, सारे विचार, सारे आइडियाज, सारे संस्थान लग जाएं, लेकिन उसमें उद्यमिता का योगदान ना हो तो वह सारा का सारा व्यर्थ है, यानी उद्यमिता से ही सारे के सारे क्रियाकलाप होने वाले हैं। हम लोग नॉर्मल भाषा में पहले समझ चुके हैं कि उद्यमिता जोखिम वहन करने से है, यानी जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम लोग कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम लोग इनोवेशन नहीं करेंगे, तब तक वे सारे के सारे तकनीक, सारे के सारे संसाधन व्यर्थ रहेंगे और कोई भी उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसलिए उद्यमिता को आर्थिक विकास का मूलाधार भी कहा जाता है, यानी अगर हम लोग आर्थिक विकास की बात करते हैं तो उद्यमिता होना उसमें बहुत ही जरूरी है। विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड आदि उद्यमिता के आधार पर ही आज वर्तमान समय में विकसित देशों की श्रेणी में हैं। इस बात को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश की बात की जाए तो यह भी उद्यमिता के आधार पर ही विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। उद्यमिता के विकास से ही देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर जैसी भयानक विपदाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उद्यमिता के बल पर ही हम अपने देश में गरीबी को मिटा सकते हैं, बेरोजगारी को मिटा सकते हैं, भुखमरी को मिटा सकते हैं और लोगों के जीवन स्तर को भी सुधार सकते हैं। उद्यमिता के बारे में येल ब्रोजल कहते हैं कि उद्यमिता आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। तो इस बात को हमें समझना है कि अगर उद्यमिता नहीं है तो वह देश विकसित नहीं कर सकता, उस देश की अर्थव्यवस्था निर्जीव पड़ी की पड़ी रह जाएगी। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश में सारे के सारे संसाधन मौजूद रहें, लेकिन हमारे देश में मुकेश अंबानी, टाटा और उसके अलावा अडानी जैसे अन्य जो भी एंटरप्रेन्योरशिप हैं वे न रहें तो क्या होगा, वे सारे के सारे संसाधन धरे के धरे रह जाएंगे, यानी वे निर्जीव ही रहेंगे। उनको जीवंत करने के लिए उद्यमिता अति आवश्यक है। उद्यमिता के महत्व को समझते हुए हम लोग निम्न बिंदुओं का अध्ययन कर सकते हैं। पहला, तीव्र आर्थिक विकास यानी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें तीव्र आर्थिक विकास चाहिए तो उद्यमिता को शामिल करना पड़ेगा और उद्यमिता के द्वारा ही यह संभव है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अत्यधिक स्तर से यानी तीव्र गति से बढ़े। दूसरा, नवाचारों को प्रोत्साहन यानी प्रमोट इनोवेशंस। अगर हम लोग इनोवेशन को प्रमोट करते हैं अपनी कंट्री में तो हमें उद्यमिता दिखाई देगी, और यदि उद्यमिता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इनोवेशन प्रमोट होगा। तीसरा, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम लोग उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं तो उद्यमिता भी क्या करेगी, ये महत्वपूर्ण स्थान रखेगी कि वह भी जो भी संसाधन है उसका अच्छी तरीके से उपयोग करें। चौथा, आधुनिक विकास का चक्र यानी पाइवट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हम लोग आगे बात करते हैं तो जो हमारा आर्थिक विकास का चक्र है वह उद्यमिता की धुरी पर ही घूमता रहता है, यानी उद्यमिता के आसपास ही घूमता रहता है, उसके चक्कर काटता रहता है। अगर उद्यमिता नहीं है तो देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। पांचवा, नवीन बाजारों की खोज एवं विकास, सर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट। हम लोग कह सकते हैं कि यदि हमारे पास उद्यमिता है तब हम लोग नए मार्केट की खोज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। छठवां, आत्मनिर्भर समाज की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी।
यानी कहा जा रहा है कि अगर इस देश में या फिर किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में उद्यमिता आगे आता है, उद्यमिता का विकास होता है, तो आत्मनिर्भर समाज की स्थापना अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को नौकरी देने लगेंगे, नौकरी के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। सातवां, पूंजी निर्माण में योगदान, यानी प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशंस। इस बात को हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास पूंजी निर्माण करनी है तो हमें उद्यमिता का सहारा लेना पड़ेगा, उद्यमिता के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश में या अपने बिजनेस में पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। आठवां, रोजगार सृजन, जिसको हमने भी पहले ही समझा कि उद्यमिता के बल पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रोजगार का सृजन कर सकते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकते हैं। नौवां, सफल इकाइयों की स्थापना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरिएबल्स यूनिट्स। हम लोग जो भी सफल इकाइयां हैं, जो सफल बिजनेस हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं उद्यमिता के आधार पर ही। इस तरीके से उद्यमिता महत्वपूर्ण रखता है। और अंतिम महत्व है कि सामाजिक परिवर्तनों का उपकरण, यानी टूल्स ऑफ सोशल चेंजेस। समाज में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, हम लोग उसको उद्यमिता के बल पर ही देख सकते हैं। अगर हम लोग डिजिटल नेटवर्क की बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो डिजिटल होने से हमारी कंट्री में हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से समाज में परिवर्तन आया है, एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से परिवर्तन आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरीके से परिवर्तन आया है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में किस तरीके से परिवर्तन आया है, इसको हम लोग आसानी से, आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, तो ये था उद्यमिता का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपके मन में उद्यमिता से जुड़े हुए और कोई भी प्रश्न है तो आप उसे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उन सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर जरूर देंगे, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें बहुत अच्छा भी लगेगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।